मुबारक हो समर, सुना शादी कर रहे हो? अबे इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, पढ़ाई तो खत्म कर लेता। अरे चले कहाँ, इसने तो अभी से कर दिखाया। अरे क्या डींग मारता था क्लास में,
मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरा आदर्श नेताजी है। अरे सब ऐसे ही कहते रहते हैं, अपने दिवाकर को ही देखो ना क्या था, और अब शादी के बाद सारे आदर्श ठंडे हो, छुट्टी हुई और सीधे घर। इनका भी यही हाल होने वाला है। मैं कुआ बावड़ी समर बेटा, अभी घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गए 8 साल हो गए, अब मेरे हाथ पर भी काम नहीं करते। तू घर में छोटी बहू ले आ तो मुझे फुर्सत मिले। नहीं अम्मा नहीं, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। अभी तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, और फिर शादी के बाद तो खास कुछ बताएगा। फ्यूचर देखना है, फ्यूचर देखना है। शहजादे अंग्रेजी बोल रहे हैं, तुम्हारा ही तो फ्यूचर है, इस घर का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। मालूम है मुन्नी की शादी का कर्जा अभी तक ढो रहा हूँ, कहाँ से आएगा ये रुपया, कभी सोचा है? फ्यूचर देखना है। चाहे कोई जिंदगी में कुछ कर पाया नहीं तो जो दोस्त गृहस्थी में बांधो उसके पाँव में जाएंगी। नाना जी, शादी ब्याह तो हर एक को करना ही है। हर एक को मरना भी है तो अभी से मर जाएं। कैसी बातें करते हो लाला जी, पढ़ी लिखी लड़की है लाला जी, मैट्रिक पास। हमारे यहाँ 7 पीढ़ी कोई पढ़ी लिखी बहू आई ही नहीं। प्यार की बातें अंग्रेजी में ही कर लिया करना। मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। और इसीलिए देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है। आज के युवक ही कल के कर्णधार होंगे। याद रखो, तुम में से हर एक को कुछ बनना है। आज भी तुम में से हजारों भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी और भगवान राम। हमारी ही शक्तियाँ आज भगत सिंह, विवेकानंद और नेताजी को पैदा कर सकती हैं। लेकिन इस कुछ बनने के लिए हमें शपथ लेनी होगी। हमारे सामने बहुत सी बाधाएं आएंगी, इन्हीं बाधाओं और मुसीबतों को कुचल कर हमें आगे बढ़ना है। श्री और श्रीमती समर, क्या जोड़ी बनाई हमारे नेता पथ प्रदर्शक, अभी से पालतू बन गए। भागो समर, भाग जाओ इस जंजाल से, दूर भागो, ये माया जाल है। तुम्हें तो कुछ बनना है समर, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। शादी करके कोई कुछ नहीं कर सकता समर, कोई कुछ नहीं कर सकता। बातों में क्या रखा है दिवाकर, मेरा भविष्य मेरे हाथों में, बस जरा सा अपने आप को साध लूं, फिर चाहे तलवार की धार पर चला दूं मुझे। दो धरा निदे
यार इस मामले में मैं बहुत भाग्यवान। जब से किरण आई है यहाँ तो बस चैन की छन थी, और गुरु ऊपर से पढ़ी लिखी बीवी मिल जाए बस सर कड़ाई। स्वागत, क्या मेरा अपमान नहीं है? खड़ियां झिटती तरह खिड़की पर, यही शिक्षा है इनकी, मैट्रिक पास। समझती हैं, दूसरे लड़कों की तरह मैं नहीं मनाऊंगा, खुशामद करूंगा। जी, लाला जी तो छत पर सो रहे हैं, क्या लोगे? लेकिन मेरा भी दिमाग तो नहीं आ रहा, लगता है आप बड़े हो चुके हैं। लेकिन बात क्या हुई? अरे हुआ क्या गया? लड़की की तबीयत तो ठीक है, लेकिन बात क्या हुई? झगड़ा हो गया। क्या बात है, बहू तुझे पसंद नहीं आई? सुनते हैं तू उससे बोला तक नहीं? कुछ बोलेगा या नहीं? कोई घर आता है तो ऐसा व्यवहार करते हैं, क्या कहेगी वो घर जाकर? ठीक है, तुम्हारी शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब तो शादीशुदा हो, ये लड़कपन कब तक चलेगा? जो हो जाता है उसे निभाना पड़ता है। ये भी तो सोचो, वो बेचारी पराई लड़की किसके बूते पर आई? बड़े आया आदर्शवादी, अब खड़े क्या हो जाओ? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कहा था मत करो मेरी शादी, ये मेरे बनने का समय, शादी के बाद कोई खाक बनेगा? हमारी तो शादी तो हुई, लगता है दुनिया भर का बोझ तुम्हारे ऊपर आ गया। ऐसी रुकावटें तो आती रहती है, मैं कोई परवाह थोड़ी करता हूँ। अब बनो मत लाला जी, दिखता तो सभी को है, सुबह से मुंह लटकाए घूम रहे हो। पहली रात न बनी तो क्या हुआ, अभी और भी तो रातें हैं। भाभी घमंड तो यहाँ सगे से सगे का नहीं सह सकते, फिर चाहे कोई कितना ही मैट्रिक पास हो या खूबसूरत हो। खैर लाला जी, ये बात तो हमें भी खत की, प्रभा में अपनी पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती का गुमान तो जरूर है, मुझसे पूछो तो कोई ऐसी परी जाति भी नहीं है। यूं तो अपनी उम्र पर कौन खूबसूरत नहीं होता, हम नहीं थे? वाकई खूबसूरत होती तो न जाने दिमाग कहाँ होता। हमें तो बात करने लायक भी नहीं समझती, बस किताबें ले आई है घर से और तो कुछ लाई नहीं। कहता था मुझे इस कुएं में मत डालो, पर तब तो तुम्हें भी जीत चढ़ी थी भाभी, जैसे भी हो इसके गले में भी फांसी का फंदा क्यों ना पड़े। जरा धीरे बोलो लाला जी, नहीं तो कोई समझेगा मैं ही तुम्हें उल्टा सीधा सिखा रही हूँ। इसमें सिखाने की क्या बात है, क्या मैं नहीं समझता?
खैर, आओ खाना खा लो, फोटो खींचने वाला आता ही होगा। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। अब चलो भी, तुम भी जरा जरा सी बातों में सर खपाया करते हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझा दूंगी उसे। चलो अमुनी दीदी। भाभी जल्दी तैयार हो लो, फोटो के बाद सिनेमा जाना है। प्रिया जल्दी खाना वाना खा लो, 3 बजे के शो में सिनेमा जाना है। पान लाई? हाँ। कौन सा सिनेमा है? सिनेमा विनेमा तुम लोग जाओ। अब बहुत हो गया, चलो लाला जी, बरसों हो गए हमने भी कोई सिनेमा नहीं देखा। लेकिन भाभी वो 3 बजे की तुम्हें पूनम मासी आ रही है ना, हम कैसे जा पाएंगे? भैया और छोटी भाभी को ही जाने दो। हाँ। लाला जी तुम दोनों देखा, शायद कोई बात बन जाए। मैं नहीं जाऊंगा। अब तो टिकटें भी आ गई हैं भैया। फिर अमर को भेज दो। हाँ मुनी जी। तू चुप रहे भैया। अरे लाला जी मान भी जाते हैं, प्रभा के काट खाएगी। नहीं नहीं भैया, तुम्हें और भाभी को जाना ही पड़ेगा। अरे भाई सब तैयार हैं। लाला जी देखो अम्मा जी की वर्ड बंद करके बैठी है, जरूर पल्ला खुले खिड़की पर बैठी होगी। अब बुला लेना, मैं चूल्हे पे खाना चढ़ा के आई। दिन में भी कमरा बंद? लाला जी तो ऊपर हैं। चलो आप, फोटोग्राफर आ गया है। Yes, ready please. बस अब समर तुम और बहू फोटो खिंचवाओ। पहले दोनों बड़े भैया और भाभी की खींचो। हाँ। Yes, ready please. अब समर भैया और छोटी भाभी की फोटो खींचने दो। चलो अब जल्दी करो, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ माँ। हाँ आप जरा पास ऊपर देखिए जरा। अबे ठीक से बैठता क्यों नहीं, हंस जरा। देखो सुअर को तस्वीर खिंचवाएगा वो भी खिसिया कर, नालायक। शादी वादी कर लिए यार, बताया तक नहीं। पिक्चर जा रहे हो? नहीं नहीं वो ये कौन है तुम्हारी श्रीमती जी? नहीं 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 तो बहन है। हाँ 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 हा, अच्छा मैं चलता हूँ। कहो लाला जी कुछ बात बनी?
जब हम पहली बार सिनेमा गए तब तुम्हारे भैया तो अभी हम मुझे आराम करने दो, थक गया। अरे शाम से ही थक गए, अभी तो रात पड़ी है। खैर आराम करो, मैं जाती हूँ। मैं तो ये कहने आई थी कि कल दिन का खाना खास तौर से प्रभा बना रही है। तुम्हारे भाई साहब तो कहते थे खाना क्या बनाती है, अमृत बनाती है अमृत। उन्हें क्या पता, जब देखने गए तभी खा आए होंगे। तारीफ के मारे घर भरे दे रहे हैं। कल तुम भी देख लेना। भाभी चलो, सब लोग आ गए हैं। अभी आती हैं, जरा लाला जी को खा लेने दे। क्या हुआ? हुआ मेरा सिर, दाल कड़वी जहर बना रखी है, मुझे नहीं खाने ये छप्पन भोग। दाल तो मैंने चख ली थी। बड़ी चली थी रिस्ट वॉच पहनकर खाना बनाने। बोलो घड़ी का तुम चूल्हे में क्या करोगी, उल्टी साड़ी पहनकर घूमेंगी घर में। ऐसा तो होता ही रहता है भैया, जिसके साथ सात भावरे डालकर लाए हो उसे तो निभाना ही पड़ेगा। आखिर वो बेचारी भी क्या करे, कसूर उसका भी हो तो भैया ऐसे मौकों पर माफ कर देना ही ठीक है। दो दिन बाद विदा है, उसके भाई उसे लेने आएंगे, क्या कहेगी घर जाकर। ये रहा, ले चल। भाभी तुम ठहरो, मैं पहुंचा देती हूँ। कहा दो दिन और रहने दो बिजली का पंखा, तो कहने लगे घर में बीमार है, पंखे की जरूरत है। कल तक सब ठीक थे, आज सब बीमार पड़ गए। बिजली का पंखा दिखाने की जरूरत ही क्या थी, उनसे कहो ये बिजली का कनेक्शन भी ले जाएं, इसे भी भेजो। अब तुम्हें हर चीज से चिढ़ होने लगी। देखो मुझे ना चैन से सोने देना चाहो तो सोने दो, नहीं तो मैं दिवाकर या किसी और दोस्त के यहाँ जाकर पड़ा रहूंगा। लाला जी तुम्हें जब जिद चढ़ जाती है तो किसी की नहीं मानते। अब ये भी कोई बात हुई, कभी कभी तो बड़ों का भी कहना माना करो। एक कहा मानकर तो ये सुख पाया, और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। तुम यहाँ हो भाभी, मैंने तो सारा घर ढूंढ मारा। कमरे में तुम सब थे, मैं यहाँ चली आई। तुम भी कमरे में चली आती, इस अंधेरे से तो अच्छा ही है। चलो अब नीचे चलो, यहीं बैठते हैं थोड़ी देर, यहाँ कैसी ठंडी हवा चल रही है। अब छोड़ो इस ठंडी हवा को, चलो नीचे। ये सब तो होता ही रहता है भाभी, अभी से ऐसा चलता रहेगा तो बाद में मेरी हालत तो तुम्हें मालूम है भाभी। बैठो ना मुन्नी, तुम्हारी भी शादी की रात से ही वो नाराज है। मेरी बात छोड़ो भाभी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। भैया ऊपर से कैसे भी हो दिल से बहुत नरम है, तुम भाभी एक बार खुद बात करोगी तो बस भैया का सब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे शर्म लगती है, मैं क्या बात करूं। तुम तो अंग्रेजी में पास हो, तुम्हें बात करना तो ज्यादा अच्छा आता होगा। स्कूल में पति से बात करना थोड़ी सिखाते हैं। फिर मैं बताती हूँ कहना कुछ भी कह देना। एक काम करो भाभी, भैया को अभी दूध देना है, मैं नहीं जाती तुम ले जाओ। अब ना वाणी तुम्ही को ले जाना पड़ेगा मेरी अच्छी भाभी। अरे तुम क्यों लाई, कोई और नहीं था। ये मुन्नी बीबी जी भी गजब करती है, नहीं बहू को दो दिन तो बैठने दिया होता, अब यहाँ तक लेकर आई हो तो दे दो जाकर, शर्म काहे की। भाभी सुबह के लिए दाल कितनी भीगेगी। अभी आई, तुम ही छोटी बन जाओ, माफी मांग लो, आखिर पति ही तो है। मुझे माफ कर दीजिए, ये दूध पी लीजिए,
बेटा संभाल कर ले जाना, अमर तू स्टेशन सब चला जा। इतने रुपया कैसे हो गए? बाबूजी सब हिसाब से ही लगाया है, फिर जानो शादी ब्याह में खर्चा तो हो वही है। अच्छी शादी कराई साले साहब ने, अगले महीने ले जाना। सब्जी फिर खत्म हो गई? वो समर के भाभी के कड़े सुना छोटी बहू पहन गई। कड़े पहन गई? समर ने कहा नहीं कुछ? अरे समर, शहजादे पता नहीं अपने आप को क्या तीस मार खां समझते हैं। बीवी से नहीं बोलेंगे, खुद उल्लू से घूमते फिरे। घर को तो होटल समझ रखा। बिल्कुल, हड्डे तो हमें ही पहलने हैं जिंदगी भर। देखते जाओ लाला जी, सब ढंग पर आ जाएगी। औरत को तो जब तक दबा कर नहीं रखा जाता हाथ नहीं आता। हमारे बाबा कहा करते थे, औरत तो लकड़ी का बंदर है, इतना भी मुंह न लगाए कि आगा पीछा कुछ दिखाई न दे। हमें तो लाला जी तुम भरी नींद में उठा दो, बिना देखे सारा मिर्च मसाला डाल देंगे। अब इसमें क्या फायदा कि किताबें तो तुमने लाखों पढ़ ली, आने के नाम खाक धूल नहीं। हमारे बड़े भैया वाली भाभी भी ऐसी ही आई थी, किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। सुभैया ठहरे मरद, दो दिन में सारा नजला झाड़ दिया। वो तो किसी किसी की आदत ही हो गई लाला जी, बिना कूटे पीटे रास्ते पर ही नहीं चल सके। अब हमारी भाभी बिल्कुल ठीक है। भैया की आंखों में गुस्सा देखा नहीं कि पत्ते की तरह यूं कांप जावे। भाभी अब कुछ पढ़ाई कर लेना दो, बहुत दिनों से किताबें छुई ही नहीं। वो अपने पिता रुस्तम के हाथों अनजान रूप से मारा जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम रुस्तम हो? वो कहता है मैं रुस्तम नहीं हूँ। तुम्हें क्या मतलब इस बात का? इस तरह से वो बात पूछता ये है।
एंसर रोल कॉल प्लीज. अमल कुमार चक्रवर्ती. यस सर. वशिष्ठ कुमार चतुर्वेदी. रमेश चंद्र. यस सर. समर ठाकुर. अब बेटा तो यहाँ घूम रहे हो, कॉलेज क्यों नहीं गया? तबियत नहीं हुई. यार तू आजकल मरियल सा क्यों घूमता फिरता है? नहीं तो चल फुटबॉल के सेमीफाइनल हो रहे हैं, चल. नहीं दिवाकर मुझे घर जाना है. अबे बीवी मेरे घर भी है यार, चल ना. मुझे क्या वो एक खत तक नहीं लिख सकती थी? मेरी बीवी चार दिन मेरे घर रही और मैंने एक बात तक नहीं की, क्योंकि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर दी गई थी. छी, ये भी कोई ठोस कारण है ना बोलने का? समर तुम गधे हो, बेवकूफ. जरा भी नहीं बोले? नहीं. उस दिन सिनेमा में पानी दे गिलास. भैया दूसरी शादी करोगे? एक ही शादी काफी नहीं है, दूसरी किसके नाम करोगी? शादी की बात कौन कर रहा था? अम्मा? नहीं, यूं ही पूछ रही थी. रात को खाने के बाद अम्मा भाभी में कुछ इसी तरह की बात. यही सब चलता रहा तो देखना, एक दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा. सब अपना अपना राग लाते हैं. दूसरी शादी. भैया एक बात बताओ, उस दिन तुम्हारे खाने में जो नमक सड़ा था ना, वो बड़ी भाभी. मैं भागी भागी आई देखी कहीं लाला जी चुपचाप बैठे तो नहीं है.
आजकल न जाने क्या हो गया है, बिना खाए उठकर चले जाते हैं। मुन्नी बीबी कैसी अच्छी हो, जरा इन्हें फैला दो। हाय, अभी तुमने खाया ही क्या है? तुम्हें मेरी कसम है लाला जी, इस रोटी को तो खाते जाओ। इस बार अभी से ही झाड़ा पड़ने लगा। दिवाली को और कितने दिन है लाला जी? होंगे कोई 10-15 दिन। इस दिवाली को पूरे 4 महीने हो जाएंगे तुम्हारी शादी। तुम्हारा ब्याह भी क्या हुआ लाला जी, क्या क्या अरमान थे, सब पर पानी फिर गया। फिर लिखा है भेजने को। किसको? अपनी बहू को। अब लिवा लाओ उसे, बहुत दिन हो गए। बड़ी बहू के भी दिन पूरे हो रहे हैं, पहला बच्चा है। तुम्हारी अम्मा तो चूल्हे में सिर झोंकते झोंकते इस हालत को आ गई। बहुत किया उस बेचारी ने भी, घर पर एक हाथ और हो जाएगा तो मदद हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा पिताजी, अमर को भेज दीजिए। क्यों, तुम्हारा क्या दम निकलता है बहू का नाम सुनकर? शेरनी है ना तो खा जाएगी। अच्छी तो खावा औलाद हुई है, अपनी तीरंदाजी में किसी को अपने सामने बचते ही नहीं। असल का हो तो जिंदगी भर मत बोलियो। लाला जी सुनो, बाबूजी अम्मा जी से आज सुबह क्या कह रहे थे मालूम है? कह रहे थे समर की बहू फिर आ रही है, न हो तो समर से कहो किसी बैद को अच्छी तरह से दिखा दे, जो फीस होगी दे देंगे। क्यों, मुझे क्या हुआ है? ये भी मैं बताऊं? और सुनो, आ तो रही है लेकिन दबा कर रखना, कह देती हूँ कसम से पछताओगे नहीं तो। छोटे लाला जी आज चले गए हैं दीवाने। भैया, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो। तुम लोग कौन? तुम, भाभी। तो कल वो आ रहे हैं, तुम उन्हें बैठकर समझा नहीं सकते क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो। अगर औरत को बैठकर कोई समझाए तो ऐसा थोड़ी है, हम तो बेपढ़े हैं। लेकिन तुम, भाभी। भैया, तुम भाभी से बोलोगे ना? जा मम्मी, तुम नीचे जा। समर भैया, भाभी को लेकर आ गए हूँ। भैया साइकिल ले जाओ, जल्दी आ जाना। बड़ी मुश्किल से भेजा है भैया, भाभी के घर वाले तो बहुत खराब हैं। आइंदा से तो मैं नहीं जाऊंगा। पकड़ कर पीट दिया क्या? अरे तो बैठते, जब देखो तब बुराई करते रहते हैं। भाभी ऐसी है, अम्मा वैसी है, हम लोग क्या सब। और मैं? हाँ, तुम्हारी तो सब तारीफ करते हैं। तारीफ सिर्फ तुम्हारी नहीं भैया, मेरी भी। मैं भी तो खूब पढ़ता हूँ ना। ला साइकिल मुझे दे। अरे भैया, बन्ने रे तेरी अखियां।
ना लाला जी, दूसरी बार बहू आई है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कोई पहली बार आए या दूसरी बार, जब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है तो मैं क्यों सरदर्द लूं? अच्छा लाला जी, तुम उससे इतने नाराज क्यों हो? एक तो मुझे अभी शादी वादी करनी नहीं थी, जबरदस्ती गले से पत्थर लटका दिया, और फिर मुझे उसकी सूरत से भी नफरत। मुन्नी बीबी जी तो हमेशा गुणगान करती है, अम्मा जी खुश तो नहीं है लेकिन कहती यही है कि ऐसी सुंदर बहू नहीं देखी कहीं। नहीं देखी होगी, मुझे तो ऐसी कोई खास बात नहीं लगी। क्या कह रहे हो लाला जी, पढ़ी लिखी है, सिलाई कढ़ाई जानती है, बाजा भी बजा लेती है, रुपया नगद न लाई तो क्या हुआ। अच्छा लाला जी, न हो तो एक ड्यूटी लगा दो, सुबह जैसे ही उठे सामने हारमोनियम पकड़ा दो, गाया करे जागो प्यारे। तुम तो मजाक कर रही हो भाभी, कुछ पढ़ाई करने इसलिए तो अपनी अलग कोठरी साफ की, अब तुम उसमें इसको उसको सारी दुनिया को घुसा दोगी तो कोई पढ़ेगा कैसे? अब लाला जी अम्मा जी से कहूंगी, मुझे तो कोई और जगह दिखाई दे रही है। अम्मा जी से कहो चाहे भैया जी से, मुझे अलग जगह चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी तरफ से चाहे सारी दुनिया फाड़ में जाए। लाओ भाभी यहीं दे दो, जूते पहनाओ। भाभी तुम क्यों बेकार में पिसती हो, ये समय आराम करने का है, घर में कोई और नहीं है क्या? मुन्नी तो पराई है, उसके हाथ का अम्मा बाबूजी खाएंगे नहीं। सही प्रभा, सुनई बहू है। अगर खाने का हक है तो काम करने के लिए लोग क्या बाहर से बुलाए जाएंगे? Thank you.
लो, घर में पहले ही भवानी आई। चलो कहिए, मुंह मीठा कराओ, सबसे बड़े चाचा बने हो। भाभी जल्दी, देर हो रही है। छोटी भाभी, बच्ची के नहाने का पानी ले आओ जल्दी। छोटी बहू कहाँ गई? बच्ची के नहाने का पानी लेकर गई है। तुझे खाना देने वाला कोई नहीं है? मेरा खाना नीचे भिजवा देना, दो जनों का, एक मेहमान भी है। अभी बना कर देती हूँ। अरे बहू, ये झूठन कब तक पड़ी रहेगी? देखा, फिर बेटी और बहू में फर्क क्या रह गया? बेटी भी मुंह खोले घूमती है और बहू को भी पता नहीं पल्ला किधर जा रहा है। सुना तूने, जो देखे है हमारे कर्मों को थोपा। अब नामकरण के दिन सत्यनारायण की कथा होगी, सारी दुनिया भर से लोग आएंगे, सारी बिरादरी में क्या नाक कटवाएगी घर की? आप चलो पंक्ति में बैठ जाओ। हाँ भाई, चलो चलो चलो। नहीं, अब क्या होगा? मुझे पहले पता था अम्मा जी, तो कभी नहीं करती। मैंने समझा कोई सादा मिट्टी का ढेला है। सादा मिट्टी का ढेला है? हाय राम, और हमारी पुरखन हमें जवाब दिए चली जा रही है। तूने समझा काहे को? तेरी ही ये माथे की फूट गई थी, दिखाई नहीं दिया उसमें कलावा बंधा था? बात पर बात कहे चली आ रही है, जो एक भी बात बिना जवाब दिए छोड़ी हो। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो इसका क्या जाएगा? हे भगवान, तू देखने वाला है, दुनिया कूड़ कूड़ कर मरी जाती है। मुन्ने, क्या बात है? आज पंडित जी ने जिन गणेश जी की पूजा की, तेरी पढ़ी लिखी बहू ने उनसे झूठे बर्तन मांझ लिए। हे भगवान, मेरी बच्ची को देखना। राम दादी, जा रहे हैं, ठीक कराओ, नहीं तो भागो यहाँ से। बड़ी नास्तिक की बच्ची बनी है। अरे
बेटी जरा सोच समझ के काम करते हैं। यही तेरा आदर्शवाद है कायर, स्त्री पर हाथ उठाया तूने, यही तेरे महान बनने के सपने हैं। ये अपने भैया को दिया, आज अभी तक नीचे नहीं है, रखते यहाँ, खुद ही आके पी लेंगे। दे अमुनी। को एक महीना भी नहीं है, मैं यहाँ आकर पढ़ाई करूँ। अपनी वाइफ से झगड़ के तो नहीं आ रहा तू? बहू तू घर चिट्ठी विट्ठी नहीं डालती, इनके पास तेरे बाप की चिट्ठी आई है, पूछा है तू बीमार तो नहीं है। क्या लिखो अम्मा जी, आप देख ही रहे हैं सब कुछ ठीक है। फिर भी बिटिया कभी कभी डाल दिया कर दोहरा, माँ बाप का मन लिखा है। 5-6 खत लिखे, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। लिखूंगी अम्मा जी। और ये क्या शकल बना रखी है कंजड़ों सी, जाने कब से सिर नहीं धोया, कभी कभी धो लिया कर कल मुही, पता नहीं कितनी जुए पड़ी है, खाने में जाती होंगी।
अम्मा मैं जा रहा हूँ। अम्मा देखो ये अमर जा रहा है। रोटी तो खाता जा बेटे। दूध हो गया प्रभा? बच्ची का वक्त हो गया है, अभी दूसरे के देते। लो यहाँ तो दूध फैलाया जा रहा है। फैला दिया दूध? चलो अच्छा हुआ, उनका तो बाप पूरी भैंस बन रहा गया है ना। समझ में नहीं आता हाथ पैरों में दम भी है या नहीं। थूथन ऊपर उठा के काम करेंगी, मस्ता रही है। अब बोलो बच्ची बेचारी भूखी मरेगी क्या? क्या घुरे जैसी हालत बना रखी है रसोई की। चकला इधर पड़ा है, बेलन उधर लुढ़क रहा है, खाने बैठो तो उपका ही आवे। दसवा पड़ी है ये दसवा, आग लगे ऐसी पढ़ाई में। अनजाने में फैल गया अम्मा जी, दूसरा कर तो रही हूँ। लो ऊपर से जवान लड़ा रही है। देख लो जरा सा काम क्या करना पड़ा, हल्ले करवा रही है। हम नहीं किया करते थे काम, कहा कभी कुछ अम्मा जी से? मेरे काम का एहसान तो जता ही मत बहू, जितना तूने किया है सब ब्याज समेत चुका दूंगी। हाँ कहीं कल को कहे। क्या दिन रात चकचक होती रहती है, दिन निकला शुरू हो गए। अम्मा चलो नीचे धोबी आया है। देखा भाभी तुम भी चलो, मैं दूध लाती हूँ। तुम बीच में क्यों चबर चबर करते हो? मुन्नी मैं रात में नहीं आऊंगा, ये इम्तिहान के दो चार दिन हैं, दिवाकर के यहाँ पढ़ाई करनी है। और वो कितने की है भाभी? मुझे नहीं पता, पिताजी ने मंगाई थी पिछले साल। अरे ये तो बंद पड़ी है, चाबी अभी नहीं देती कभी। किस लिए? यूं ही कभी टाइम वाइम देखना हो। वहां थी तो रोज चाबी देती थी, स्कूल टाइम से जाना पड़ता था, घर में पढ़ाई करनी पड़ती थी, पिताजी को खाना भी वक्त से देना पड़ता था। यहाँ भैया भी तो देख सकते हैं, आजकल उनके इम्तिहान हो रहे हैं, तुम भी टाइम देख सकती हो। तुम्हारे भैया कभी आते हैं तो घर देर से, और फिर मुझे यहाँ टाइम देखकर करना ही क्या है। भैया कल कह रहे थे तुम कितनी दुबली हो गई हो, तबीयत तो ठीक है? ना सोनिया जी। और कह रहे थे बेकार की ज्यादा मेहनत मत किया कर, वो खुद रसोई में आके खाना खा लिया करेंगे। भाभी एक अच्छी पिक्चर आई है। हमें कौन ले जाएगा? ले तो गए थे एक बार शादी के बाद। हाँ ले गए थे, टांगे में घुमा कर लिया है। अरे तुमने बताया भी नहीं। क्या बताती? अच्छा मैं पकड़ती हूँ भैया को। कमल भैया जरा ऊपर आना। भैया के इम्तिहान तो खत्म हो गए हैं, अब करना ही क्या है। ऊपर क्यों बुलाया बिना बात को? भैया हमें इस इतवार को सिनेमा ले चलो। अभी तो देर है इतवार में। इस बार मैं भी जाऊंगी, हम तुम और छोटी भाभी, बस तीन जने। क्यों प्रभा कह रही थी? हाँ कह रही थी, उसे पिछली बार भी तो नहीं ले गए। क्या ले चलोगे कि नहीं बताओ? बताओ ना भैया ले चलोगे? बताओ ना, बताओ। लेकिन थे कहाँ इतने दिन, कितनी चिट्ठियां लिखी एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं गया भी था एक बार, लेकिन सुना तुम घर छोड़कर दूसरे शहर चले गए थे। अब क्या बताऊं, नौकरी के चक्कर में मारा मारा फिर रहा था, कल ही फिर जाना है। कल कुछ बताओगे भी कि चले आए, कल मुन्नी जाएगी? ऐसी क्या आफत आ पड़ी है निपुते पर, दो साल से कौन सी मक्खी छींक गई थी? भाई वो मुन्नी को लेने आया है, आखिर है तो इसका पति ही। बहुत माफी वाफी मांग रहा है, कह रहा जो बिरादरी का दंड होगा भरेगा। उस चुड़ैल का क्या हुआ? उसी चुड़ैल की वजह से ही तो अकल आई है, पांच छह महीने हुए सब कपड़े जेवर समेट कर भाग गई। पता नहीं उसके बहकावे में आकर अकल कहाँ चरने चली गई थी। गई थी तेरी अम्मा के पीहर। अब अपनी पड़ी है तो आए हैं लाट साहब,
बाबूजी तुम भी मत भेजना मुन्नी जी जी को। ऐसे आदमी का क्या ठिकाना, कल किसी और के बहकावे में आ जाएगा। मैं नहीं भेजती अपनी लड़की को, पहले ही अधमरी करके भेजा है। भाई वो कसम खा रहा है, बातों से भी लगता है कि आप समझ आ गई है। कोई जिंदगी भर थोड़ी गलतियां करता रहता है। तुम्हारी बातों का क्या, जिसने जैसे समझाया वैसे ही मान गए। बस यही बात तुम्हारी मुझे बुरी लगती है। समझती तो खाक नहीं हो, बस अपनी अपनी गाय जाती हो। कभी दूसरों की भी तो सुना करो, आखिर आया तो वो खुद ही है। और बातों से भी पता चलता है कि काफी पछतावा है और अब तंगमंग नहीं करेगा। मुन्नी को क्या जिंदगी भर यहीं बिठा रखना है, अपने वहां रहेगी, घर गृहस्थी संभालेगी। हम लोग भी आखिर कब तक रखेंगे। क्या बात है मुन्नी, क्या बात है बता ना। मुन्नी मुन्नी कुछ बातें बता, मुझे क्या हो गया। बाबूजी मुझे मार डालो, मेरा गला घोट दो, मुझे वो मत भेजो बाबूजी, मैं वहां मर जाऊंगी बाबूजी, मुझे मत भेजो, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ दूं बाबूजी, वहां मर जाओ बाबूजी। क्या कर रही है बेटी, तेरी भलाई हो वही करेंगे। चुप हो जा मुन्नी, चुप हो जा बेटी। चुप हो जा, चुप हो जा बेटी।
भरी फिदाओं में आते हैं हम कहां जाए सारे गम पेड़ की हवाओं में हम प्यार का है ये जहां झूमती घटाओं में विज्ञापन कार्यक्रम है। वन्ना फिल्म स्टार देखिए नागी रवि की हिट फिल्म वन्ना फिल्म स्टार। निकल कर तो देख कितना दिन चढ़ा है। अबे दिन को चढ़ने दे उसका काम ही यही इम्तिहान में इतने पिले हैं थोड़ा आराम भी ना कर। बीवी वाले हैं तेरे जैसे नहीं तू तो आराम का दुश्मन है। अभी से थर्ड ईयर की किताब घोटनी शुरू कर दी होगी तूने। नहीं दिवाकर मैं आगे नहीं पढ़ूंगा कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो पढ़ लूंगा। ओह सुना किरण जी हमारे समर साहब फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं जरा यहाँ तो आना। अरे मियाँ चोटी फटकारो और मस्त रहो नौकरी करने तो जिंदगी पड़ी हुई है। ये मेरी पहली सिगरेट है। बड़े आए पहली वाले कह दूंगी अम्मा जी से जाकर। ये समर भाई साहब भी तो हैं पीते हैं कभी? इस समर भाई से पूछे कुछ कह रहे हैं। कुछ नहीं कह रहा था कल की पिक्चर कैसी लगी आपको? पिक्चर तो घर आगे हुई अम्मा जी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। अब कोई दिन रात कहां तक किसे दो महीने में एक पिक्चर देखने गए इस पे भी अगर वो नाराज हो तो कोई क्या करे। चलो आज फिर पिक्चर देखने चलते। काफी दिनों से नुमाइश लगी हुई है वहाँ चलेंगे। ये लो चलो ना। और अम्मा जी उन्हें तुम मना लेना आप ही चलिए ना। अब मैं सिगरेट पी लूं। नहीं मिली तुम्हें दाल बीनने की वहां खिड़की पर बैठकर ही दाल बीनेगी।
मुंगी की तरह मनहूस सी घूमती फिरे। कौन बैठा है तेरा वहां? हमें भी तो बता कौन है तेरा वहां? लो तुम क्यों अपना खून जला? खून न जलाऊं तो क्या करूं? इन्हीं लखनों के मारे खसम देखता तक नहीं। गरम दूध मरा निगलने का न उगलने का। तू भी मरी, क्यों बैठा करे वहां? कब तक गालियां खाती रहेगी? आज रात कहाँ क्या कर रही हो? अब रात बहुत हो गई, सुबह रो लेना। आपको क्या है, आप जाकर सोइए ना। 6 बजे हो गए, कभी आपको चिंता हुई मेरी? अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, आप जाकर सो जाइए।
कब तुम उससे नाराज हो? प्रभा मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर किया है मैंने? मैं तुम्हें पसंद ही हूँ तो गला घोट दो मेरा, मैं चू तक नहीं करूंगी, लेकिन मुझे बता दो सही, बताओ बताओ एक बात पूछूं, तुम यहां बैठ के रो क्यों रही हो? प्रभा बोलो ना। छोड़ो भी, उन बातों को दोहराने से अब क्या फायदा? बताओ ना प्रभा, इतनी देर से पूछ रहा हूं। इतना चलाकर थोड़ा सा पूछ भी लिया तो क्या हुआ? इतने दिन सब कुछ चुपचाप सहा, दहेज नहीं लाई, कपड़े लत्ते नहीं लाई, ये हूं वो हूं, लेकिन चरित्र पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन आज अम्मा जी ने, एक बार तो मन में आया शादी की रात वाली उस बहू की तरह जल मरूं। प्रभा अब मैं भी पूछूं? कुछ मत बोलो प्रभा, कुछ मत बोलो, मैं सब जानता हूं। बताओ मैंने क्या किया है? किसी ने कुछ नहीं किया प्रभा, मैंने, तुमने, किसी ने कुछ नहीं किया। पता नहीं किसकी गलती थी, शायद शायद मेरी ही हो, लेकिन जो कुछ हो गया प्रभा उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ प्रभा। हमें एक पोस्ट कार्ड ला दीजिए, बहुत दिनों से घर चिट्ठी नहीं लिखी।